नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभदीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिश्रा जी। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आजकल एक आम आदमी का एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वह 60 ईयर्स यानी कि 60 साल। उसमें हम लोग उसका 1/3 बस नींद में रहते हैं, मतलब 20 साल ऐसे ही निकल गया। तो 60 में से 20 निकल गया, मतलब 40 ईयर्स। लेकिन उसमें भी अगर आप हर रोज़ 8 से 9 घंटा पबजी के पीछे दे दोगे तो बचेगा क्या? अब करोगे क्या लाइफ में? ठीक है ना। तो आज का वीडियो जो है इसी के बारे में है कि पबजी का एडिक्शन क्यों होता है और इस एडिक्शन से कैसे दूर होना है और क्यों चाहिए मुझे ये सबसे दूर जाना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं। लेकिन एक छोटा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये एडिक्शन जो होता है ये ब्रेन में, हमारा ब्रेन में एक चीज़ है, वो है डोपामिन। उसके वजह से है। डोपामिन तभी रिलीज होता है जब आपको कोई चीज़ करने के बाद एक रिवॉर्ड मिलता है, और चीज़ नया नहीं, मतलब एक ही चीज़ बार बार करने से जब रिवॉर्ड मिलता है ना तो डोपामिन इंक्रीज होता है, रिलीज होता है। तो बस यही एक एडिक्शन का कारण है, जो कि अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो यही एक रीज़न है, बाकी कुछ नहीं है। पहले पहले जब भी आप पबजी खेलते थे तो पहला कुछ दिन आपको कुछ कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें, आपको अच्छा ही नहीं लगता था, ठीक है ना। अब खुद सोचिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब एक हैबिट बन जाता है, जब उसी चीज़ के लिए डोपामिन आपका रिलीज शुरू हो गया, तब से आप उसके ऊपर एडिक्टेड हो गए। धीरे धीरे करते करते आज मैक्सिमम यूज़र्स की एक ऐसी लेवल पर आके पहुँच गया है जिस जहाँ से लौट आना लग रहा है कि नामुमकिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा कैसे इससे निकलना है। तो मैं खुद की बात कर लेता हूँ। मैं सीज़न 1 से खेल रहा हूँ और मैं एक डाईहर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन हाँ खेलता हूँ, रेगुलर बेसिस पे खेलता हूँ। रात रात भर जाग के मैं खेलता हूँ, और जिसका रिज़ल्ट आ गया ये ब्लैक स्पॉट्स वगैरह, क्योंकि नींद नहीं आता है। एक डिप्रेसमेंट में मैं चला गया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो बंदा गेमिंग पे एडिक्टेड होता है वो कुछ नहीं है, बस मेंटल डिप्रेशन है उसका, ये डिक्लेयर हो चुका है हु के तरफ से। तो आप अपना लाइफ तो अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लेयर्स है वो टीनेजर्स हैं, जो मतलब जो स्टडीज़ में है, या कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपकी पढ़ाई के बाद, एडुकेशन के बाद सब कुछ बैलेंस करके आपको ये करना पड़ रहा है, गेम भी खेलना पड़ रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, आप एक बार सोच के देखिए, जब ये पबजी नहीं था तब आपका लाइफ कैसा था, और आज आपका 2-3-1 साल बाद खेलने के बाद आपका लाइफ कैसा है, क्या सेम है? ये सवाल आप मतलब खुद अपने आप से पूछिए, और जो जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि आप ये जवाब किसी और को देंगे नहीं, आप खुद को ही दे पाएंगे, तो ये जो जवाब मिलेगा इसका ये अच्छा नहीं होगा, आपको भी पता है। तो धीरे धीरे करके हम सभी पबजी जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो चिकन डिनर मिलता है, उसके अंदर अटक गया है, क्योंकि ये हम लोगों को गेम के बाद जो विनर उनर चिकन डिनर मिलता है ये एक किक है, मतलब ये जो किक है इसी की वजह से डोपामिन ज़्यादा कम करता है और आप उसके अंदर घुस जाते हैं। तो एक सिंपल एक हिसाब मैं दे देता हूँ, मैंने पहले ही वीडियो को शुरुआत में ही आपको कहा है कि 20 साल हम सो के निकाल देते हैं, अगर 60 साल लाइफ स्पैन है तो उससे भी सोते हम लोग कितने लोग, कितने टाइम, 6 घंटा, और एक एक प्लेयर 10-12 घंटा करके खेल रहे हैं, तो और 20-30 साल ऐसे ही निकल जाएगा। आपका वर्किंग टाइम जो है, आपका खुद दुनिया के देखने का जो टाइम है, इंटरेक्शन का जो टाइम है दूसरे बंदों से, अपने फैमिली से, कितना बच गया? उसके अंदर भी आपको खुद का काम करना है, आपका रिलेशनशिप मेंटेन करना है, स्टडीज़ करना है, जॉब करना है, इज़ इट पॉसिबल? नहीं होगा। तो ये भी सच है कि पबजी जो है 3-4 साल से ज़्यादा चलेगा नहीं, ये आपको ही पता है, क्योंकि कोई भी गेम इतना देर तक सेम एडिक्शन के साथ किसी का साथ चलता नहीं है। लेकिन 4 साल बाद आप ऐसे ही छोड़ दोगे,
तो 4 साल में जो लॉस आप करोगे, अगर 4 साल बाद आप छोड़ेंगे तो जो लॉस आपका होगा वो लाइफ टाइम आप उसको क्योर नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी टाइम है, निकल जाइए। निकलने के लिए कुछ भी नहीं है, 2-4 दिन आपको बस खेलना नहीं है, दूसरे काम में इन्वॉल्व होना है। कौन सा काम वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम होगा, जब भी आप कोई एडिक्शन से निकलता है तो आप बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, मतलब बार बार उसी चीज़ के ऊपर अटेंशन चला जाता है। तो उसका ऑल्टरनेट कोई वे आउट ढूंढिए, कोई क्रिएटिव काम कीजिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कुछ हो भी ना सका तो मोबाइल को रात में 10 या 11 बजे के बाद अपने पेरेंट्स के पास दे दीजिए कि आप इसको रख लीजिए, मैं जितना भी चाहूँ सुबह तक मुझे नहीं दीजिएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि ये भी लॉन्ग डेज का नहीं है, 4-5 दिन ऐसे आप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं भी छोड़ चुका हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है आप भी छोड़ दीजिए, लाइफ को सुधार लीजिए। ऐसा नहीं कि छोड़ने से आप बड़ा 30 मार्कन बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन नॉर्मल लाइफ पे आने का जो प्रोसेस है वो तो शुरुआत कर सकते हैं। अभी आप लोग जो बीमार बंदा बीमारी पे रन करता है ना, तो शुरुआत में उसे समझ नहीं आता है कि मुझे ये है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बढ़ता जाता है। तो अभी हम लोग वही स्टेज पे है, अगर अभी ना रोक दिया जाए तो बाद में ये बहुत बड़ा बवाल मचा देगा, और जो इंसिडेंट होगा बाद में तो उसका क्योरिंग जो फार्मूला है वो बहुत ही टफ है। और ऐसे बहुत सी केसेस है जहाँ पर लगभग बहुत सी बंदा बीमार पड़ भी चुके हैं। ऐसा बंदा तो मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा कि एक लड़का 17 या 18 ईयर्स का होगा, हॉस्पिटलाइज्ड है और ऐसे सोते वक्त ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हम भी वैसे ही है और हम लोग का भी फ्यूचर वैसा ही होगा। तो अभी भी टाइम है, इसको बंद कर लीजिए, और बंद करने के लिए मैक्सिमम, लेकिन हाँ, ना ही मैं पबजी को दोष देता हूँ ना ही आपको, क्योंकि डेली 1-2 घंटा खेल, अगर खेल सकते हैं आप उससे ज़्यादा नहीं तो ये बहुत अच्छा है, इसमें आपका मेंटल स्ट्रेस भी दूर होगा। लेकिन जब यही आदत 8-9 घंटा 6 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम, क्योंकि पबजी खुद आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है गेम खेलने के टाइम कि आप आज 6 घंटा खेल चुके हैं। एक गेम वाला तभी आपको वार्निंग देगा जब ये चीज़ मैक्सिमम लेवल पे जाता है, उस वो भी हम लोग देखते नहीं है। सिगरेट के पैकेट में तो फोटो सबको दिखता है, छोड़ता है नहीं छोड़ता है, तो जानबूझ के गलती हम लोग कर रहे हैं। और ये वीडियो मैं सिर्फ मेरा मोनेटाइजेशन के लिए, रेवेन्यू के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे अंदर से ये फील आया कि क्या कर रहे हैं हम लोग और कब तक ऐसा चलेगा। पबजी के नाम पे हम लोग डूबते जा रहे हैं, तो पबजी को हटा दो अपने लाइफ से, और हो सके, अगर हो सके तो एक टाइम टेबल बना लो ना, अगर खेलना ही है तो टाइम टेबल के अंदर खेलो, जो कि 80% हम लोग करते नहीं हैं। सोचते हैं, जानते हैं सब कुछ, हम जानते हैं सब है लेकिन करते कुछ नहीं है। तो मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई बोलो, दादा बोलो, कुछ भी बोलो, मैं इस रिलेशन से आप सभी को ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, सबको पता चलना चाहिए। अगर मेरा ये छोटी सी कोशिश है, अगर पबजी छोड़ सके तो बहुत अच्छा होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप खुद सोचिए इसके बारे में कि आप किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा यार, चलो देखते हैं क्या होता है। अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ तो बिल्कुल कमेंट पे मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी दिखना चाहिए कि हाँ ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अच्छा रहिएगा, सबको खुश रखिएगा, खुद अच्छा रहिए। जय हिंद।